तिरंगे की रोशनी से नहाया भोपाल का हबीबगंज स्टेशन, अंदर से खूबसूरती बढ़ रही। पीएम 15 नवंबर को करेंगे लोकार्पण। जनजाति गौरव दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी की सभा, भीड़ जुटाने खंडवा से 5000 लोगों का टारगेट, 148 बसें रिजर्व की। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बकाया बिजली बिल एकमुश्त भरने पर सरचार्ज माफ, मूल बिल में 40% व 6 किश्तों में भरने पर 25% छूट। सागर में कांग्रेस को बड़ा झटका, 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नेवी जैन भाजपा में हुए शामिल, बोले कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं। डेंगू का कहर, ग्वालियर में पहली बार 24 घंटे में 53 बच्चे डेंगू के शिकार, एक की मौत। हमीदिया में आग के बाद जागे जिम्मेदार, भोपाल में 80 हॉस्पिटल नर्सिंग होम को एनओसी नहीं, फायर सेफ्टी के इंतजाम भी नहीं, अब दौरा करेंगे अफसर। उज्जैन शहर में किराए पर मिलेंगी इलेक्ट्रिक बाइक, ड्राइविंग लाइसेंस और सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर घूम सकेंगे, जीपीएस सिस्टम से होगी 100 बाइक की मॉनिटरिंग। ग्वालियर शहर की तैयारी, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ग्वालियर फिर से करेगा भागीदारी। जबलपुर में वैक्सीनेशन महाअभियान, आज दूसरा डोज लगवाने के लिए शहर में 80 तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर पंचायत में एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। मध्य प्रदेश में ठंड का असर, पचमढ़ी सबसे ठंडा, रायसेन मंडला में पारा 10 डिग्री, भोपाल इंदौर जबलपुर और ग्वालियर में 12 डिग्री से ज्यादा।